नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर में महेश नवमी पर माहेश्वरी समाज का कार्यक्रम, वृक्षारोपण और कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। कार्यक्रम में कई प्रबुद्ध जन रहे मौजूद। इंदौर में स्पीड ब्रेकर बने हादसे का कारण, एक सड़क हादसे में महिला की हुई मौत, पुलिस कर रही मामले में जांच। इंदौर में दुकान का नौकर ही निकला लूट का आरोपी, अपने साथियों की मदद से कारोबारी को लूटा, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला शहर के शेरेटन ग्रैंड पैलेस होटल में देखने को मिला। यहां शादी से गहनों समेत रुपयों से भरा एक बैग चोरी हो गया। दरअसल लसूड़िया थाने में शनिवार की रात फरियादी पवन ने जानकारी देते हुए एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि शादी में से 12 लाख नकदी सहित सोने चांदी और हीरे के जेवरात से भरा एक बैग चोरी हो गया है। इसके बाद पुलिस ने भी शिकायत दर्ज कर मामले में जाँच पड़ताल शुरू की है। शेरेटन होटल है बाईपास का, वहाँ पे शादी का प्रोग्राम चल रहा था, तो इनकी पवन पिता शंभुदयाल अग्रवाल रामलीला मैदान चौकर पर इनकी लड़की की शादी थी, तो स्टेज पर कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान कोई अज्ञात आदमी जो है, जो बैग था वो बैग उन्होंने नीचे रख दिया और बैग को उठा के कोई ले गया है। उसमें कुछ पुराने जेवरात थे, शादी के लिफाफे थे और कुछ नहीं। लगभग कितने का माल गायब हुआ? लगभग 10-12 लाख का होना चाहिए, बट अभी कंफर्म नहीं है, उन्होंने लिखाया है। सर, इसमें कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आए? हाँ, सीसीटीवी फुटेज आए हैं सामने, उनके आधार पर तलाश कर रहे हैं। आपका नाम? उप निरीक्षक ओमकार सिंह भदौरिया। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे पर कांग्रेसियों ने सीएम का पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल विगत दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एबी रोड स्थित पीसी सेठी अस्पताल के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान कांग्रेस नेताओं ने शहर में बढ़ रहे अपराधों और डीजल पेट्रोल और अन्य वस्तुओं की महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने शहर के जीपीओ चौराहे पर सीएम का पुतला दहन भी किया। हालांकि कांग्रेस नेताओं को विरोध करने और पुतला जलाने की परमिशन नहीं थी, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है। इसमें तीन लड़कों को उसमें राउंड अप किया था तत्काल ही, उनके द्वारा प्रयास किया गया था, लेकिन जो संबंधित बीट थी उनको गिरफ्तार किए थे और बाद में जमाने को छोड़ा। ये जो लड़के पकड़े हैं तो अभी उनका पदाधिकारी का कुछ ऐसा उन्होंने नहीं पेश किया है, कार्यकर्ता बताए थे, लेकिन उनके द्वारा कोई कर्ज किया जा रहा था तो व्हाइट शर्ट पर तत्काल। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में बने स्पीड ब्रेकर अब सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं। विगत दिन भी एक महिला हादसे का शिकार हो गई। दरअसल शोभा पवार नामक महिला अपने परिजनों के साथ बाइक पर सवार होकर एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित अपने मायके जा रही थी, तभी बिजासन टेकरी के पास स्पीड ब्रेकर पर बाइक अनियंत्रित हो गई और महिला जमीन पर गिर गई। इस हादसे में महिला को सिर पर गंभीर चोट आई थी। इसके बाद घायल महिला को अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उक्त महिला की मौत हो गई। अब सूचना मिलते ही एरोड्रम थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और जांच पड़ताल शुरू की है। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।